अगला अभ्यास क्रम है कपालभाति। श्वास को बाहर छोड़ें, एक रिदम के साथ लगभग एक सेकेंड में एक कपाल भाती का एक स्ट्रोक। जो जवान है वो बलपूर्वक कर सकते हैं, जो पूरी तरह से निरोगी है, योगी है, इफ यू आर कंप्लीटली हेल्दी और फिट एनर्जेटिक, सो यू कैन डू दिस फोर्सफुली और स्पीडली। लय के साथ कर सकते हैं, आंखें खोल के भी कर सकते हैं और आंखें बंद करके अंतर्मुखी होकर के भी कर सकते हैं। कपालभाति मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों का जागरण करता है। मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर हृदय विशुद्धि आज्ञा ललन और सहस्रार अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानां पूरयुध्या तस्याम हिरण्यः कोशाः स्वर्गो ज्योतिषावृताः। अष्ट चक्र नौ द्वारों से युक्त देव की नगरी अयोध्या है। यही अयोध्या, यही काशी मथुरा है, यही कैलाश मान सरोवर है, यही अमरनाथ है, यही तीसरा चौथा पांचवा सातवां आसमान है। इस पिंड में ही सारा ब्रह्मांड है। मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्र जागृत होते हैं। लय के साथ करेंगे सभी, कोई बीच में ब्रेक नहीं लेगा। लगभग तीन से पांच मिनट कंटिन्यू फॉलो करते हैं इस कपाल भाती को, सबको करना है। योग का ये प्रोटोकॉल, योग की प्रैक्टिस, योग का ये अभ्यास, योग की आदत, यूनिफॉर्मिटी के लिए भी एक जैसा योग करना जरूरी है, हेल्थ के लिए भी एक जैसा योग करना जरूरी है। और आज के इस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी एक जैसा राइट मेथड के साथ यूनिफॉर्मिटी पूर्वक योग करना जरूरी है। लय के साथ करते रहिए, इससे धातु रोग, इनफर्टिलिटी, सभी प्रकार के सेक्स डिसऑर्डर्स माताओं बहनों को, लेडीज को, जितने भी प्रकार के मासिक धर्म की अनियमितताएं, मेंस्ट्रुएशंस के प्रॉब्लम्स, पुरुषों को भी किसी भी प्रकार की दैहिक दुर्बलता, शारीरिक दुर्बलताओं के साथ मानसिक दुर्बलताएं, मानसिक तनाव, मानसिक कमजोरियां, एंजाइटी, डिप्रेशन, उन सब से भी योग से मुक्ति मिलती है। लय के साथ करते रहे, कोई रुकेंगे नहीं। ये डायबिटीज के लिए, गैस एसिडिटी के लिए, कॉन्स्टिपेशन 5% फिस्टुला के लिए, किडनी के लिए, प्रोस्टेट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के ब्लॉकेज के लिए, थायराइड के लिए, विटामिन डी, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी के लिए बहुत जरूरी है। सब करेंगे। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी, पूज्य श्रद्धाचार्य भाषण जी और हमारे सारे मंत्रीगण और समाज के आम नागरिक से लेकर के आप सभी विद्यार्थी, सभी युवक युवतियां, सभी यंगस्टर्स, हमारे मिलिट्री पैरामीटर्स के और आम समाज के लोग, सर्व समाज के लोग, सब जाति के, सब मजहब के लोग योग कर रहे हैं। यही योग की ब्यूटी है। योग में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है मेल फीमेल के नाम पर, कास्ट और कम्युनिटी के नाम पर, कंट्री के नाम पर। योग की मूल संस्कृति है एकत्व की, सह अस्तित्व, विश्व बंधुत्व की, वननेस, कोएक्जिस्टेंस, ब्रदरहुड, हार्मनी, हेल्थ, हैप्पीनेस, सेल्फ हीलिंग से लेकर के सेल्फ रियलाइजेशन से लेकर के कलेक्टिव रियलाइजेशन, कलेक्टिव हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड हार्मनी का मंत्र है ये योग। कपालभाति ऐसे 5-5 मिनट करके 10-15 मिनट तक सबको करना है। और सारे मैदान में सब भाई बहन अब अगले चरण में आगे बढ़ेंगे। ये कपालभाति का अभ्यास हुआ, अब सब अनुलोम विलोम करेंगे। दाएं हाथ उठाएंगे, रेज योर राइट हैंड, क्रॉस योर राइट नॉस्ट्रिल विद योर राइट थंब, दाहिना नाक बंद अंगूठे से, बाएं नाक से सांस लेंगे, वायु मुद्रा में हाथ ऐसे, बाएं नाक से सांस लिया, दाएं से छोड़ दिया, अनुलोम विलोम। 72,72,10,200 नाड़ियों को स्वस्थ बनाने के लिए बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, ऑल्टरनेटिवली ब्रीथिंग करनी है।
ध्यान से करना, एकाग्रता से करना, मन ही मन खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहेगुरु अकाल पुरख ओंकार ब्रह्म परमात्मा का ध्यान। बाएं से लिया, दाएं से बाहर छोड़ा, दाएं से लेंगे, बाएं से बाहर छोड़ेंगे। लय के साथ करेंगे सभी, पूरे तन्मय होकर के करना। बच्चों की एकाग्रता बढ़ेगी, आईक्यू लेवल बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मेमोरी शार्प होगी। लेफ्ट नॉसल से राइट ब्रेन, राइट नॉसल से लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होगा। एक एक व्यक्ति को परमात्मा ने अपरिमित ज्ञान, अपरिमित संवेदनाएं, अपरिमित शक्ति सामर्थ्य ऊर्जा दी हुई योग से, वो भीतर की ऊर्जा पूरी जागृत हो जाती। मानव से हम महामानव, पुरुष से महापुरुष, युग पुरुष, युग नायक महानायक हम बन जाते। हम सुपर जीनियस हैं सभी, जो हमारे भीतर अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड लव, कंपैशन, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, अनलिमिटेड विजडम, अनलिमिटेड पावर है, वो एक्टिवेट हो जाती है। लेके साथ करना, रुकना नहीं, हाथ नीचे नहीं आना चाहिए, कंटिन्यूटी में फॉलो करना है सबको। ये अभ्यास निरंतरता के साथ करना है, किसी का भी हाथ नीचे ना आए, एक रूपता। और ये एक रूपता मात्र गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने मात्र के लिए नहीं, योग के लिए भी जरूरी है। सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार आशीविता दृढ़ भूमि, और जीवन में सफलता का भी सिद्धांत है लक्ष्य की ओर पूर्ण पुरुषार्थ के साथ निरंतर तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक कामयाबी मिल नहीं जाती, मंजिल मिल नहीं जाती। ये निरंतरता का नाम ही सफलता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, किसी भी जीवन के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, सभी क्षेत्रों में, जीवन के सभी दिशाओं में विजय पाने के लिए, सफलता पाने के लिए, सक्सेस के लिए, विजय के लिए जरूरी है निरंतरता। ऐसी निरंतरता पूर्वक अनुलोम विलोम करना, रिलैक्स, हाथ नीचे। यह हाइपरटेंशन के लिए दोनों हाथ घुटनों पर सीधे, थोड़ा विश्राम करें, एक से दूसरी योगाभ्यास की क्रिया में प्रवेश करते हैं, बीच में थोड़ा विश्राम देते, गैप देते। हाइपरटेंशन के लिए, माइग्रेन में, डिप्रेशन के लिए, स्ट्रेस के लिए, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइटी के लिए, न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए, 72,72,201 नाड़ियों को शुद्ध बनाने के लिए बहुत जरूरी है अनुलोम विलोम। और अब अगली योग की क्रिया, पहले अंगुली को माथे पर रखें, सब बातें सुनेंगे, पहले शेष तीन उंगलियां आंखों पर, मुख भी बंद रहेगा और फिर कान भी बंद करके ओंकार का नाद करेंगे नासिका से। 3 बार ये भ्रामरी प्राणायाम होगा, ये मेडिटेशन के लिए बहुत जरूरी है। सूर्य उदय होता है, इसी आज्ञा चक्र में एक ज्योति, एक प्रकाश, एक तीज, एक आलोक, एक लाइट पैदा होगी। आत्म ज्योति ब्रह्म ज्योति में समा जाएंगे, और आत्मा परमात्मा की ज्योति ही तो सब जीवन और जगत का आधार है। कान अंगूठी से बंद, मुख भी बंद, लंबा गहरा श्वास भर के एक साथ ओंकार का नाद नासिका से, भ्रामरी प्राणायाम, नाद योग।
अब दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में ले आएंगे, आंखें बंद रहेंगी, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा में, घुटनों पर सीधे, आंखें बंद, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, लंबा गहरा श्वास भर करके ओंकार ब्रह्म परमात्मा वो खुदा वो अल्लाह वो अलमाइटी गोड वाहिगुरु अकाल पुरुष परमात्मा तस्य वाचक प्रणवाह तत्जपस्तदर्थ भाव नमो मिति काक्षरम ब्रह्म ओंकार का उच्चारण करेंगे, उद्गीत प्राणायाम ओंकार ध्यान, लंबा गहरा श्वास भरेंगे एक साथ ओ कंप्लीट साइलेंस, आंखें बंद, थोड़ी देर शांत होकर के बैठते, लंबे गहरे श्वास, मंद मंद अंदर जा रहे हर श्वास के साथ ओंकार ब्रह्म परमात्मा का ध्यान। हम सब एक ही ईश्वर की संतान है, हम सब एक ही पूर्वजों की संतान है, हम सब इंसान है, महान है, सभी दिव्य आत्मा है, हम सबकी आत्मा में परमात्मा ने अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम, करुणा, वात्सल्य, अनंत संवेदना, अनंत शक्ति सामर्थ्य दिया है। योग से, ध्यान से ये हमारा सामर्थ्य जगे, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु सद ज्ञान दो, सन्मति दो, मति दो, भक्ति दो, प्रीति दो, ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग पूर्वक प्रभु अपने कर्तव्य उत्तरदायित्व का ठीक से निर्वहन कर पाए, ऐसी हम शक्ति दो, ऐसी हम कर्म को अपना धर्म मान करके, राष्ट्र धर्म को सबसे बड़ा धर्म मान करके, मानव धर्म को सबसे बड़ा धर्म मान करके हम जीवन पथ पर आगे बढ़े। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे और दोनों हाथों की उंगलियों को, हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए, गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा का ऊष्मा कंजन आंखों पर करते हुए आंखों को खोल, इस तरह से हमें योग करते हुए एक बनना है, नेक बनना है, सबको मिल करके आगे बढ़ना है। इंटरनेशनल योग डे के प्रोटोकॉल में हमने मंत्र ही चुना है वेद का, मेरे साथ मिल करके सब बोलेंगे, संगच्छध्वं संवदध्वं सम्मो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति 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 ओम शांति शांति शांति। हम एक साथ मिलकर के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित सब भारतवासी सब विश्ववासी और हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध सिख सब मतावलंबी एक साथ मिलकर के एक मन होकर के एक संकल्प होकर के एक ध्येय की ओर आगे बढ़े, यह है योग का संकल्प। आइए अब पैरों को सामने खोल लीजिए, अब बैठ करके हम कुछ योगाभ्यास करेंगे। ये बात सरल आसन है, इसका नाम है दंडासन।
इसमें बैठने से और पैर की उंगलियों को ऐसे आगे दबा लीजिए थोड़ा, पूरे मांसपेशियां खिंच जाती हैं तो पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाता है। इसमें बैठ करके अब अगले आसनों का अभ्यास किया जाता है। पैर मोड़ लेंगे, एड़ी बाहर पंजा अंदर, वज्रासन में बैठ जाए और वज्रासन में बैठ करके फिर अगले अभ्यास करेंगे। ये वज्रासन भी बहुत अच्छा आसन है, ये खाने के बाद इस आसन में बैठना चाहिए। क्या आसन का नाम है बोलिए सभी? वज्रासन। वज्र की तरह हमें मजबूत बना देता है, जठराग्नि को भी बहुत स्वस्थ बना देता है। न पेट अपसेट रहेगा योग करने वालों का, न दिमाग अपसेट रहेगा। दोनों हाथ घुटनों पर, वज्रासन का अभ्यास। और अगला अभ्यास, अब अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुठ्ठियां बंद, मंडू का आसन। पेट और डायबिटीज के लिए बहुत जरूरी आसन है यह मंडू का आसन। श्वास को बाहर छोड़ेंगे और आगे झुक करके मेरे साथ साथ सबको करना है। आगे झुक करके थोड़ी देर रुकते हैं। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास के लिए पेट बहुत अच्छा अभ्यास है। थोड़ी देर ऐसे झुकते हैं, गर्दन सीधी रखते हैं, कोशिश करते हैं गर्दन सीधी रहे। और ऐसे रुक करके फिर वापस आ जाएंगे। 10 से लेकर के 20-30 सेकंड तक ऐसे एक पोज में रुकना। इसका दूसरा अभ्यास है बाएं हाथ के अथीने नाभि के ऊपर, दायां उसके ऊपर। मंडूकासन का दूसरा अभ्यास पेट और डायबिटीज के लिए रामबाण है। आज लगभग 10 करोड़ लोगों को या तो डायबिटीज हो चुका है या बॉर्डर लाइन पर है। ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो सुखासन में बैठ करके भी आगे झुक सकते हैं। सुखासन में भी आगे बैठ के झुकने से पेट और पेनक्रियास को पूरा लाभ मिलता है। डायबिटीज मुक्त भारत, मधुमेह मुक्त भारत, मोटापा मुक्त भारत, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कैंसर मुक्त भारत, रोग मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, हिंसा मुक्त भारत, बुरी आदतों से, बीमारियों से, बुराइयों से मुक्त भारत, ये संकल्प है योग। एक एक अभियान के लिए देश और दुनिया की सरकारें और यूएनओ अलग अलग अभियान चलाता है। योग एक ऐसा अभियान है, ये वर्ल्ड हेल्थ के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए, वर्ल्ड हार्मनी के लिए, सारी दुनिया के सुख समृद्धि के लिए एक अभ्यास, योग अभ्यास। श्वास बाहर छोड़ेंगे, आगे झुक जाए, जितना हो सके आगे झुक करके रुकेंगे। बहुत अच्छा कर रहे हैं सब। मैंने कहा था मैं 99% में विश्वास रखता हूं और उसके साक्षी बन रहे हैं आप सब। बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारी मुख्यमंत्री जी भी बहुत अच्छा कर रही हैं। वापस दोनों हाथ अब घुटनों के ऊपर, योगाभ्यास के क्रम में अब अगला आसन है शशकासन। ये पेट के लिए और पीठ के लिए और दिमाग के लिए भी जरूरी है। आगे झुकने से दिमाग ठीक रहता है। देखो योग मात्र आसन नहीं है, आसन भी योग है। योग मात्र व्यायाम नहीं, व्यायाम भी योग है। योग मात्र प्राणायाम और ध्यान नहीं, प्राणायाम ध्यान भी योग है। पूरा जीवन योग है, एक एक श्वास योग है। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाएंगे, कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। आगे झुकेंगे, हथेलियां कोहनियां माथा जमीन पर टिकाने के लिए कोशिश करेंगे, जिससे जितना बन पाए। बहुत सुंदर कर रहे हैं सभी। थोड़ी देर रुकेंगे इस स्थिति में शशकासन, पेट के लिए, पीठ के लिए, मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है। दोनों हाथ ऊपर, बहुत सुंदर। फिर से एक बार आगे झुक जाएंगे, आगे झुकिए, श्वास बाहर छोड़ करके। फिर हाथ ऊपर और दोनों हाथ साइड से नीचे, बहुत सुंदर किया आपने। मैंने कहा था 99% अच्छा करना और आपने अच्छा करने के लिए पुरुषार्थ किया सभी ने। आइए अब अगला अभ्यास, घुटनों के बल ऐसे बैठ जाएंगे,
पंजे खुले हुए और दोनों हाथ पीठ के पीछे ऐसे लगा लो जिससे कि बैलेंस बनाने में आपको सुविधा रहे, और पीछे की ओर झुकना इससे जितना बन पाए। पास भर के थोड़ा थोड़ा झुकेंगे, जिनको चक्कर आते हैं आंखें खोल के रखेंगे, एकाग्रता पूर्वक करेंगे, कोई आवाज नहीं। फिर वापस आ जाएंगे। बहुत अच्छा किया सभी ने, बैठ जाएंगे और दोनों हाथ पैरों को खोल लेंगे, दोनों पैरों के बीच में टिकाएंगे। ये सिंहासन कपाल भांति ऊंचाई और सिंहासन करने से, अंगूठे के नीचे थोड़ा दबाने से थायराइड क्योर हो जाता है, थ्रॉट इन्फेक्शन के लिए, टॉन्सिल के लिए, गले के लिए बहुत अच्छा है। जीवा बाहर निकालिए। ये राजस्थान शेरों की धरती है, वीरों की धरती है, और पूरी भारत माताई वीरों की धरती। जीवा बाहर निकालेंगे, जैसे बता रहे वैसे करेंगे। जीवा बाहर निकालिए और फिर से एक बार, फिर से एक बार, रिलैक्स। ये सिंहासन है, शेर बनकर के जीना है, शूरता वीरता धीरता गंभीरता दिव्यता पवित्रता जीवन में रहे, ये योग है। अभी अगला अभ्यास होगा, दोनों हाथ उठाइए, झूमते हुए आनंद से मस्ती से हैप्पीनेस के लिए, हाथ से योग, लाफ्टर योगा। पूरे आनंद से मस्ती से देखो, एक बार हाथ नीचे लेके आओ। हास्यासन करते समय ना कुछ तो एक्टिंग करते हैं, ऐसे नहीं करना, कुछ करते ऐसे भी नहीं करना। अरे भगवान ने इंसान बना करके हमें स्त्री पुरुष के रूप में इस धरती पर पैदा किया, और इस ब्रह्मांड का सारा ज्ञान, सारी संवेदना, सारी शक्ति हमें दी है, सारा ब्रह्मांड इस पिंड में समाया है। एक एक शरीर की कीमत कम से कम 400-500 करोड़ है, और दिमाग तो उसकी तो कोई कीमत नहीं लगा सकता। करोड़ों की दौलत ये शरीर के रूप में परमात्मा ने दी है, अपने सौभाग्य पर इतराएंगे, और एक मिनट तक झूमते हुए आनंद से प्रसन्नता से हास्य योग, हास्यासन। हंसते रहो। चलिए भाई, कोटा वाले हंसने में भी नंबर, एजुकेशन में भी नंबर, हेल्थ और फिटनेस में भी रहना नंबर, और जब हम नंबर होंगे तो भारत भी नहीं बनेगा नंबर। चलो खड़े हो जाओ, बोलो भारत माता की। अब खड़े होके योगाभ्यास करना है, बोलो भारत माता की जय। कुछ लोग कहते हैं बाबा ये कौन सा योग होता है भारत माता की जय वंदे मातरम, ये देशभक्ति योग है। क्या योग है बोलो? देशभक्ति योग। दोनों हाथ साइड में, बहुत सुंदर। आप सब खड़े हुए भी इतने अच्छे लग रहे हैं, आप योग करते हुए भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। योग करना है, कर्म योग करना है। मैंने कहा कर्म को अपना धर्म मान करके अपने उत्तरदायित्व को ठीक से निभाना, यही तो योग है। दोनों हाथ साइड से ऊपर उठेंगे, दोनों हाथ सिर के ऊपर, हाथ थैलियों को आपस में आमने सामने रखते हुए अंगुलियों को इंटरलॉक कर लीजिए। दोनों हाथ सिर के ऊपर, ये
ताड़ासन करने से पहले की स्थिति। अब ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। लंबे गहरे श्वास भर के हाथों की हथेलियों को ऊपर की ओर, हाथों की हथेलियों को ऊपर की ओर ले जाइए, जैसे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है वैसे कीजिए। कोहनियां पूरी सीधी हो जाएंगे, हाथों की हथेलियों को रुख ऊपर की ओर, कोहनियां पूरी सीधी, प्रयत्न कीजिए आपकी एड़ियां भी उठ जाएं। फिर हाथ नीचे धीरे धीरे, तब बहुत ही सुंदर कर रहे हैं, एक रूपता के साथ कर रहे हैं, और यही योग की ब्यूटी है। लंबा गहरा श्वास भरते हुए बॉडी की साइंटिफिक स्ट्रेचिंग के लिए, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए भी, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी, फिर से धीरे धीरे हाथ उठेंगे। योग से हमारा स्ट्रक्चर अच्छा होगा, हमारा कैरेक्टर अच्छा होगा, तन मन आत्मा पावन होगा, बॉडी माइंड सोल के लिए है ये योग। हाथ पूरे तने हुए, कोहनियां सीधी, बहुत सुंदर। रोज ये उठ करके योगाभ्यास कर लेना, बॉडी की पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है। फिर हाथ नीचे, अब दोनों हाथ पार्श्व भागों से नीचे आ जाते हैं। बहुत सुंदर किया सभी ने। ये हुआ ताड़ासन। योग में बॉडी की स्ट्रेचिंग, फिर आगे झुकना, पीछे झुकना, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, साइड से बॉडी को बेंड करना, ये योग अभ्यास के लिए मूल अभ्यास, बेसिक प्रैक्टिस होती है। और उसमें मेरुदंड के बैलेंस से लेकर के और पूरी बॉडी का स्ट्रक्चरल बैलेंस अच्छा होता है। तो आगे झुकेंगे, पाद हस्तासन करेंगे, फिर पीछे झुकेंगे, अर्ध चक्रासन करेंगे। चलिए दोनों हाथ साइड से ऊपर उठेंगे, एक साथ सभी के हाथ ऊपर, बहुत सुंदर। अब श्वास बाहर छोड़ करके झुक जाएंगे आगे, और आगे झुक करके कोशिश कीजिए माथा घुटनों से लगे जितना हो सके। किसी किसी की उंगलियां टिक पाएंगे, किसी किसी की पूरी हथेलियां, किसी किसी का पूरा पंजा टिक जाएगा, और माथा घुटनों से। फिर से हाथ ऊपर और आराम से श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाएंगे। पेट के लिए, पीठ के लिए, बॉडी के स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए फॉरवर्ड बेंडिंग, इसके बाद बैकवर्ड बेंडिंग कराएंगे। क्लोज कर लिया कर, पहले धीरे धीरे, बाद में इसको तेजी से भी कर सकते। और दोनों हाथ साइड से नीचे, बहुत सुंदर किया सभी ने। और अब बहुत सरल आसन है, दोनों हाथ ऐसे लगा लीजिए कमर के साइड। आप योगाभ्यास करने में ध्यान दीजिए, आपके चारों ओर सैकड़ों कैमरे लगे हैं और आसमान में भी कैमरा लगा है, आपको किसी को नहीं देखना। जीवन का भी सिद्धांत है, अपनी नजर इधर उधर मत टिकाइए, अपनी नजर अपने लक्ष्य पर टिकाइए और कुछ ऐसा करके दिखाइए आपकी नजर इधर उधर ना टिके, पूरी जमाने की निगाहें तुम पर टिक जाएं, ये है योग। कुछ ऐसा करके दिखाओ, सारे जमाने की निगाहें तुम पर टिक जाएं, कुछ ऐसा हम करके बनके दिखाएं, ये है योग। दोनों हाथ साइड में, या तो हाथ ऐसे रख लीजिए या ऐसे रख लीजिए। ऐसे हाथ रखते हैं तो बैलेंस ठीक से बनता है। पैरों में करीब 1.25 फीट का फासला और होगा अर्ध चक्रासन। श्वास अंदर भरेंगे, फिर वापस आंखें खोल के कर लेना यदि चक्कर आते हो तो। फिर से एक बार, उतना झुक पाए कोशिश करते हैं, उतना झुकते हैं बलपूर्वक नहीं। फिर वापस सामान्य, रिलैक्स, पैर पास में, और
अब रोग प्रोटोकॉल के कुछ और मुख्य अभ्यास। सभी हाथ साइड में रखेंगे, गर्दन को आगे की ओर झुकाएंगे, गर्दन को अब पीछे की ओर झुकाएंगे। फिर आगे की ओर झुका देते हैं, फिर पीछे की ओर, फिर बीच में रुक जाएंगे, फिर गर्दन को दाईं ओर झुकाएंगे, बीच में रुक जाएंगे, बाईं ओर, राइट साइड में गर्दन को झुकाएंगे, लेफ्ट साइड में भी, और अब गर्दन को पूरी गोलाई में घुमा दें। दोनों हाथों को कंधों पर रख लेंगे और कंधों को गोल गोल घुमा दें। दूसरी ओर से क्लॉकवाइज एंड दोनों हाथ साइड से नीचे ले आएंगे, तब बैठ जाएंगे। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक लगभग आधे घंटे का योगाभ्यास हमने पूरा किया और सबने बहुत अच्छे से इस अभ्यास को संपन्न किया। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। और अब सभी सीधे बैठेंगे एक मिनट के लिए और एक बार मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।